नमस्कार दोस्तों, आज ये सीटेट ईवीएस का छठा वीडियो है जो कि एक सीरीज चल रही है और ये सीरीज है और आप इसको देखते रहिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। और 15 क्वेश्चन आपको ये जो वीडियो की सीरीज है इसी से मिल जाएंगे। ये सभी वन लाइन क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी की किताब से लिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, स्टील की कटोरी पानी में तैरती रहती है, स्टील की कटोरी पानी में तैरती रहती है जबकि लोहे की कील डूब जाती है, लोहे की कील पानी में डूब जाती है, इसका क्या कारण है? क्योंकि कटोरी का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, कटोरी का घनत्व पानी द्रव के घनत्व से कम होता है और लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, ये एक घनत्व का कारण होता है, तो जिसके कारण ऐसा होता है। उसके बाद देखो, साधारण पानी में नींबू डूब जाता है और खारे पानी में नींबू तैरता रहता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि खारे पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है, खारे पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, इसके एक लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। जो मृत सागर होता है इसका जो एक लीटर पानी होता है इसमें 300 ग्राम जो है नमक होता है। तैरते समय व्यक्ति जैसे चार पाई पर लेटा हो तैर सकता है, इसमें व्यक्ति को जो है कुछ करने की जरूरत नहीं है, तैरते समय ऐसा होता है कि जैसे कि वो चार पाई पर लेटा हो। कारण वही घनत्व का कारण है। वाष्पन किसी भी क्रिया में हो सकता है, जो वाष्पन की जो होता है वो किसी भी क्रिया में हो सकता है, परंतु जो क्वथन होता है, क्वथनांक होता है, वो 100 डिग्री सी पर होता है, ये ध्यान देने की बात है बस। दांडी मार्च, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को आरंभ हुआ। यह यात्रा अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम था गांधी जी का। यह यात्रा अहमदाबाद से दांडी तक हुई। ये जो दांडी मार्च था 12 मार्च 1930 को आरंभ हुआ और यह यात्रा अहमदाबाद से दांडी तक हुई। महात्मा गांधी जी 24 दिनों तक रोज 16 से 19 किलोमीटर पैदल चलते थे। जब ये दांडी मार्च हुआ था तो गांधी जी 24 दिनों तक रोज 16 से 19 किलोमीटर पैदल चलते थे। अभी दांडी मार्च हुआ क्यों था? मार्च के जरिए गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून का विरोध किया था। गांधी जी ने कहा था कि जब हमारे देश में ही नमक बनता है तो उस पर कर कैसा, इसके विरोध में दांडी मार्च हुआ था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। नमक बनाने की विधि, आगे देखिए नमक बनाने की विधि। पानी को क्यारियों में बने घट्टों में भर दिया जाता है, पानी तो धूप में सूख जाता है और नमक के ढेर बच जाते हैं। जो क्यारियां होती हैं उनमें घट्टे बना लेते हैं, उसमें पानी भर देते हैं, पानी सूख जाता है और वहां नमक के ढेर जो है बन जाते हैं, बच जाते हैं। घरेलू मक्खी, जो घरेलू मक्खी होती है इसका क्या नाम है? इसका जो नाम है जैविक नाम वो क्या है? मस्का डोमेस्टिका। घरेलू मक्खी का नाम है मस्का डोमेस्टिका। और इसके द्वारा कौन सी बीमारी होती है? टाइफाइड, हैजा, पेचिस, टीबी और कुष्ठ रोग इसके द्वारा होते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है, घरेलू मक्खी का नाम है मस्का डोमेस्टिका। हीमोग्लोबिन की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा वैसे कितनी पाई जाती है? देखिए वैसे तो कहते हैं कि कहीं नॉर्मल व्यक्ति में 12 से 16 ग्राम है, मतलब जो बातें करते हैं वो, परंतु देखिए स्वस्थ पुरुष के शरीर में सामान्य स्तर 14 से 18 ग्राम, जो स्वस्थ पुरुष होता है उसके शरीर में सामान्य स्तर होता है 14 से 18 ग्राम, स्वस्थ महिला के शरीर में सामान्य स्तर होता है 12 से 16 ग्राम और लड़कों के शरीर में सामान्य स्तर होता है 12.4 से 14.9 ग्राम, लड़कियों के शरीर में सामान्य स्तर होता है 11.7 से 13.8 ग्राम तक। और ये जो हीमोग्लोबिन की कमी होती है ये आयरन के कारण होती है। किसके कारण? आयरन के कारण होती है। और आपको यहाँ एक बात बताऊं मैं, दिल्ली सबसे ज्यादा जो है, देखिए हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है, एनीमिया। तो सबसे ज्यादा
जो एनीमिया से ग्रस्त बच्चे हैं वो दिल्ली के स्कूलों में हैं। तो सबसे पहले दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया से बच्चे 17 नवंबर 2007 को प्रभावित हुए थे एनीमिया से सबसे पहले, और आज भी दिल्ली के स्कूलों में ज्यादातर बच्चे एनीमिया से ग्रस्त हैं और उनका शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और उनका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, इसलिए उनको प्रतिदिन आयरन की गोली वितरित की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखो आगे, रजत एक लड़का है, वह कहता है मेरा खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि मैं कड़वी दवाइयां खाता हूं, मेरी रक्त की जांच होती है और मुझे ठंड लगती है। तो ये लक्षण किसके हैं? ये लक्षण है दोस्तों मलेरिया के, ठीक है। रजत है, रजत एक लड़का है, वो कहता है मेरा खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मैं कड़वी दवाइयां खाता हूं, मुझे ठंड लगती है। तो ये किसके लक्षण है? ये लक्षण है मलेरिया के। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, मलेरिया जो होता है मच्छर के काटने से होता है, और मलेरिया का पता रक्त की जांच के द्वारा चलता है। मलेरिया का जो पता चलता है वो रक्त की जांच के द्वारा चलता है। जो सूक्ष्मदर्शी होती है माइक्रोस्कोप किसी वस्तु को 1000 गुना बड़ा दिखा देता है। माइक्रोस्कोप जो होता है सूक्ष्मदर्शी, वो किसी भी वस्तु को 1000 गुना बड़ा दिखाई दे देता है, दे देता है। मलेरिया देखो, मलेरिया किसके कारण होता है? ये मादा एनाफिलीज के कारण होता है। और ये कैसे होते हैं? ये भूरे रंग के होते हैं। मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज के कारण, और डेंगू और चिकनगुनिया होता है मादा एडीज के कारण। मलेरिया मादा एनाफिलीज के कारण, डेंगू और चिकनगुनिया मादा एडीज के, जो मच्छर होते हैं काटने से होता है। मलेरिया के इलाज के लिए पहले से ही सिनकोना वृक्ष की छाल को उबालकर छानकर मरीज को दिया जाता है। जो सिनकोना का वृक्ष होता है उसकी छाल को उबाला जाता है, फिर छाना जाता है, छानने के बाद में मरीज को दिया जाता है। परंतु आज सिनकोना की छाल से दवाई बनाई जाती है। जो सिनकोना की छाल होती है, वृक्ष होता है, इसकी छाल से दवाई बनाई जाती है। मच्छर के बच्चे को लार्वे कहते हैं। क्या कहते हैं? जो बच्चे होते हैं लार्वे कहते हैं, पता कर सकते हैं वो। ये छोटे छोटे भूरे रंग के कीटाणु होते हैं और ये लार्वे मच्छर के पानी में अंडे देने से बनते हैं। ये लार्वे मच्छर के पानी में अंडे देने से बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अरे देखिए दोस्तों, रोनाल्ड रॉस ने बहुत दिनों तक मच्छर के पेट की जांच की। तो क्वेश्चन पता कर लेते हैं, मच्छर के पेट में किसने झांका? मच्छर के पेट में झांका रोनाल्ड रॉस ने, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने बहुत दिनों तक मच्छर के पेट में जांच की परंतु उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी। उसके बाद मादा एनाफिलीज मच्छर जिसमें एक जीवाणु पाया जाता है जिससे मलेरिया होता है, उन्होंने इसका पता किया था। और इसी कारण इनको सन 1902 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। और आपको एक बात और बताऊं मैं, जो लाल रक्त कणिकाओं में प्लाज्मोडियम की उपस्थिति मलेरिया होना सिद्ध करती है। तो ये रोनाल्ड रॉस ने ही मच्छर के पेट में झांका था और एक जो है जीवाणु को पता किया था जिससे कि जो है मलेरिया होता है, और इसी कारण इनको 1902 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। उसके बाद उपाय क्या है? गड्ढों को खुला नहीं छोड़ना है, गड्ढों को खुला नहीं छोड़े, उनमें मिट्टी डाल दें, तालाब में मछलियां छोड़ दें ताकि मच्छर के लार्वा को खा सके। तालाब में मछलियां छोड़ देनी चाहिए ताकि क्या कर सके? मच्छर के लार्वा को खा सके। मच्छरदानी का प्रयोग करें, रुके हुए पानी में मिट्टी का तेल या केरोसिन डाल देना चाहिए। तो ये हमने बात की थी मलेरिया के बारे में। तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मलेरिया कैसे होता है। जैसे पीछे बताया, रजत एक लड़का है, वो कहता है मैं खेल नहीं सकता, मैं कड़वी दवाइयां खाता हूँ, मुझे ठंड लगती है। तो कौन से लक्षण है? मलेरिया के हैं। और मलेरिया किसके कारण होता है? मादा एनाफिलीज के कारण होता है। डेंगू और चिकनगुनिया किसके कारण होता है? मादा एडीज के कारण होता है। और मच्छर के पेट में किसने झांका? रोनाल्ड रॉस ने झांका, उन्होंने पता किया।
कि जो मादा एनोपेलिक मच्छर होता है उसमें एक जीवाणु पाया जाता है उसके पेट में, जिसके कारण जो है वह क्या होता है, मलेरिया होता है। और जो ये मच्छर जो होते हैं इनके जो बच्चे होते उसको लार्वा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पता कर लेते हैं दोस्तों। अगर देखिए ये आप बिल्कुल एक नोट्स बनाते चलिए, आपको बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट होगा। और ये सभी एनसीईआरटी से लिए गए हैं, पूरा पेपर ईवीएस का ही एनसीईआरटी से आता है। और बिल्कुल देखिए 15 क्वेश्चन आपको, मेरा ये मानना है ये जो हमारी वीडियो की सीरीज है आपको यहाँ से मिल जाएंगे, 15 क्वेश्चन पैडागॉजी के होंगे। अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके, और घंटी को दबाएं ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके, और कमेंट जरूर दें ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए आप, बरगद की लटकी शाखाएं जड़े होती हैं। जो बरगद होता है, बरगद उसकी जो शाखाएं लटकी रहती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, उन्हें जड़े कहते हैं। उसके बाद हॉर गुड्डी ये कहां पर है, कर्नाटक में है, कर्नाटक राज्य में है, ध्यान देना है आपको। यहां के लोगों को पानी की कमी की आदत है, बारिश के दिनों में कुओं में पानी भर जाता है, पिछले 3 साल से बारिश नहीं हुई है, सूखा पड़ रहा है, तो यहाँ के लोगों ने शहरों के लिए पलायन करना शुरू कर दिया है। यहाँ बड़े लोगों की पंचायत के साथ साथ छोटे छोटे बच्चों की भी पंचायत होती है, जिसे भीमा संघ कहते हैं। तो यहाँ आपको दो बातें ध्यान देनी है, हॉर गुड्डी कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में है, यहाँ बारिश कम होती है, लोगों को पानी की कमी की भी आदत है। अब जैसे बड़े बड़े लोगों की पंचायत होती है तो ये छोटे बच्चों की भी पंचायत होती है, जिसे हम भीमा संघ कहते हैं, ये जरूर ध्यान देना है। भीमा संघ ये क्या था, एक बार ऐसा हुआ पानी की टंकी में कचरा आ गया था, तो उस कचरे को साफ करने में इन बच्चों ने बड़ों की मदद की थी, तो इसका नाम क्या हो गया, भीमा संघ हो गया। तो आपको ध्यान देना है, छोटे छोटे बच्चों की पंचायत को हम क्या कहते हैं, भीमा संघ कहते हैं। और हॉर गुड्डी कहां पर है, कर्नाटक राज्य में है, यहाँ के लोगों को पानी की कमी की आदत है क्योंकि बारिश कम होती है, और भीमा संघ के बच्चों ने ही पानी की टंकी की सफाई करने में मदद की थी। जो पानी की टंकी में कचरा आ गया था, सफाई होने के बाद में उसमें पानी भर गया था, फिर लोगों को सभी को उसका जो है फायदा मिला था। तो आपको ध्यान देना है। आगे देखिए, लीची के फूल मधुमक्खी को अपनी ओर सबसे अधिक आकर्षित करते हैं, ये ध्यान देना है आपको कि लीची के फूल मधुमक्खी को अपनी ओर सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। और ये जो लीची के फूल होते हैं ये फरवरी माह में खिलते हैं। आगे, रिहाना अपने गृह नगर शिमला से केरल भ्रमण के लिए गई। एक लड़की है रिहाना, वो शिमला में रहती थी, घूमने के लिए गई केरल, तो वहां के पेड़ शिमला के पेड़ों की अपेक्षा कर अलग और ऊंचे थे, तो केरल के जो पेड़ थे वो शिमला के पेड़ों की अपेक्षा कैसे थे, अलग थे और ऊंचे थे, तो वो किसके पेड़ थे, वो नारियल के पेड़ थे। दरअसल क्या है, घुमा फिरा के बात करते हैं थोड़ी सी, और कोई दिक्कत नहीं है। वो ये भी कह सकते थे केरल में किसके पेड़ पाए जाते हैं, केरल के पाए जाते हैं, केरल में किसके पेड़ पाए जाते हैं, नारियल के पेड़ पाए जाते हैं कह सकते थे, परंतु नहीं, एक लड़की रिहाना शिमला, अपने गृहनगर शिमला से भ्रमण के लिए गई केरल, तो केरल के पेड़ शिमला के पेड़ों की अपेक्षा अलग थे, ऊंचे थे, तो काय के पेड़ थे, किसके पेड़ थे, तो भैया वो पेड़ थे नारियल के। आगे देखिएगा, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन इस वर्ष पता किया गया था सीटेट में भी जो परीक्षा हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तान ऑक, जिसका नाम है रेगिस्तान ऑक। इसकी ऊंचाई विद्यालय भवन का जो कमरा होता है
लगभग 4 मीटर के बराबर होती है। इस पेड़ की ऊंचाई कितनी होती है? जो विद्यालय भवन का एक कमरा होता है लगभग 4 मीटर का, उसके बराबर होती है। इस पेड़ पर पत्ते कम पाए जाते हैं। इसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं जब तक वे पानी तक ना पहुंच जाएं। ये जड़ें पेड़ की ऊंचाई की 30 गुना गहरी होती हैं। यानी कि अगर पेड़ की ऊंचाई 4 मीटर है तो ये है 30 गुना। 30 गुने का मतलब क्या हो गया बोलो? 120 मीटर। पेड़ की ऊंचाई की 30 गुना गहरी होती है। इसके तने में पानी भर जाता है और यहाँ के लोग तने में छोटा पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। आपको ध्यान देना है रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? विद्यालय भवन का जो एक कमरा होता है लगभग 4 मीटर, उसके बराबर इसकी ऊंचाई होती है। और इसकी जड़ें जब तक पानी तक ना पहुंच जाए वो चलती रहती हैं। और इसकी जो मतलब मैंने अभी आपको बताया, ये जड़ें जो पेड़ की ऊंचाई की 30 गुना गहरी होती हैं और इनके तने में पानी भर जाता है और यहाँ के लोग तने में छोटा पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। सर्वाधिक भीड़ वाला शहर मुंबई। सर्वाधिक भीड़ वाला शहर कौन सा है? मुंबई है। मुंबई से दिल्ली आने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से गुजरना पड़ता है। तो कभी कभी कह देते हैं मुंबई से दिल्ली के बीच में जो राज्य आते हैं उनको बताइए आप, तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। दूसरा भी एक रास्ता है वैसे, आप इधर से एमपी मतलब महाराष्ट्र, एमपी, यूपी और इधर से भी आ सकते हैं आप, परंतु बात कर रहा है दिल्ली के बीच की बात कर रहा है, तो एमपी, यूपी और दिल्ली। महाराष्ट्र के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली, एक ये भी रास्ता है। मुंबई से जम्मू कश्मीर के बीच राज्य गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। देखिए दोस्तों एनसीईआरटी से सभी लिया गया है और आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखेंगे और एक नोट्स बना लीजिए, ये सभी वन लाइनर क्वेश्चन है, तो आप मतलब कि 15 क्वेश्चन यहीं से होंगे जो ये वीडियो की सीरीज है, और आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा। क्योंकि देखिए ईवीएस जो आता है वो एनसीईआरटी की बुक से ही आता है पूरा पेपर, आपको इधर उधर हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। तो आप अच्छे से कीजिए, नोट्स बनाइए। अगर मेरा वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए छोटा सा, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ लाभ मिल सके, और कमेंट्स कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।